हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 8 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अभी तक वीडियोस नहीं पढ़ पाए हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहां सभी वीडियोज पढ़ सकते हैं। साथ ही मैथ्स की पीडीएफ की लिंक भी दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हो। कोई डाउट्स प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आते जाए तो लाइक जरूर करते रहिए और एक अच्छा सा कमेंट भी आप हमें हमारे चैनल के रिलेटेड आप दे सकते हैं। उन जो भी बच्चों का कमेंट होगा उन बच्चों का नेक्स्ट वीडियो में हम मेंशन करने वाले हैं और उन कमेंट्स को हम शो करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए बहुत ध्यान से कवर करते चलिए क्वेश्चन आपको जो भी पढ़ा रहे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटीज। यानी अब आपको कुछ आइडेंटिटीज जो हमने पहले प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ाई हुई है उसी से रिलेटेड अब आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आइडेंटिटीज कौन सी है? आप फॉर्मूले पढ़ाए थे ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक पढ़ाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ऐसे कुछ हमने फॉर्मुलेस पढ़ाए हुए थे, उन्हीं फॉर्मुलेस रिलेटेड यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। तो उन फॉर्मुलेस को यूजिंग करके आपको उनके फैक्टराइज बताने हैं। कैसे सोल्यूशन करेंगे? देखिए पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर तो आप वैसे ही लिखोगे पी स्क्वायर की पावर 2 माइनस 20p को अभी रहने दीजिए, हम आपको बताते हैं कैसे सोल्यूशन करेंगे। प्लस 100 को क्या लिख सकते हो? तो 100 को आप लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। भाई 10 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? भाई 10 की पावर 2 का मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 और 10 टेन जा 100। तो हम 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 2 आप लिख सकते हैं, लेकिन इससे फायदा क्या होगा हमारे लिए? क्या फायदा, क्यों हम लिख रहे हैं? देखिए माइनस 2ab 2 मल्टीप्लाई, ये देखिए 2 और ab का मतलब a, तो a यहां पर क्या है 1, तो यहां पर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब b क्या है? b यहां पर 10 है, तो आप यहां पर b मान लीजिए। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? 10 2 जा 20 और 21 जा 20, यहां पर p हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको याद आ रहा होगा एक फॉर्मूला था, हम आपको पढ़ाए भी है, ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab, क्योंकि माइनस के फॉर्म में है इसलिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। ये देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने वाले हैं। ये देखिए a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। देखिए ए स्क्वायर यानी पी स्क्वायर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a की क्या, a यहां पर 1 है तो 1 मान लिए, अब b क्या है 10 और 10p, ठीक है। इस तरह हम यहां पर क्वेश्चन सोल्यूशन करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए सोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको हम a माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। a यहां पर क्या है p माइनस, b क्या है 10, p माइनस 10 का होल स्क्वायर, दैट इज अ राइट आंसर। इस तरह आपको क्वेश्चन करने थे, यानी पहले आपको इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले की एक क्वेश्चन पे नोट करना है, यानी जैसे फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है उसको ही फॉर्मूले की जो वैल्यूज दी गई उन फॉर्मूले पे आपको लिखने हैं। इसके बाद देखिए कौन से फॉर्मूला सेट हो रहा है उसी फॉर्मूले पे आपको सेट करना है। तो ए हो गई पी और बी की वैल्यू क्या है 10, तो पी माइनस 10 का होल स्क्वायर, दैट इज अ राइट आंसर। तो ए स्क्वायर ये हमने बनाया प्लस बी स्क्वायर ये बना दिया और माइनस 2ab ये बना दिया, यानी आपको उसी तरह इसको बनाना है। बनाने के बाद जो वैल्यू होगी उसी फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन नोट करने हैं, दैट इज अ राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल इजी है और इसी तरह आपको करने थे। देखिए यहां पे बी क्वेश्चन में बिल्कुल सेम इसी टाइप्स का क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 25x² प्लस 30x और ये प्लस 9। देखिए इस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम वही, कैसे 25x² क्या लिख सकते हो 5x का होल स्क्वायर, 5 5 25 होता है, तो 5x² प्लस अभी 30x को रहने दीजिए प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं 3² लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए क्या होगा 2ab, तो 2a की वैल्यू क्या है, ये देखिए 5x, 5x लिख लो, ठीक है। b क्या है यहां पर, b क्या है 3 है, तो आप इसको 3 लिख लो, ये देखो 2 5 10 और 10 3 30x हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? और यही फॉर्मूला आपने पढ़ा भी है, क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है भाई, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले को आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हुआ है? इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने किए हुए, देखिए ए स्क्वायर यानी 5x² प्लस बी स्क्वायर यानी 3² प्लस 2ab, 2 और ए की वैल्यू क्या है 5x लिख लिया और बी की वैल्यू क्या है 3 हमने नोट कर दिया, नोट कर दिया कि नहीं? और इसको आप किस फॉर्मूले की टाइप्स में आप ले सकते हो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो ए की वैल्यू क्या है 5x प्लस बी की वैल्यू क्या है 3, ऐसे आप होल स्क्वायर लिख दीजिए, दैट इज अ राइट आंसर। 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज अ राइट आंसर।
तो इस तरह आपको जो क्वेश्चन के फॉर्मुले पढ़े हुए थे उसी टाइप्स में आपको इसको चेंज करने हैं, दैट इज अ राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। सी डी ई क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप्स के हैं, मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, तो उनको भी आप लोग बहुत ध्यान से कवर करिए। कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करवाएंगे, सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे, जो आपके इजिली लिखेंगे कि भैया आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे इजिली है, वही क्वेश्चन आप करिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन हम ड्रॉप नहीं करवाएंगे, आपको सभी क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़े, सभी क्वेश्चंस को पढ़ते चलिए। चैनल पर जो भी बच्चे नए हो अभी तक सब्सक्राइब ना किए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन अलर्ट प्रेस कर लीजिए, जैसे आपको जैसे वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और तुरंत क्लिक क्लिक करके आप उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, 9x² - 144 क्या लिख सकते हैं? देखिए ये फॉर्मूला भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, वो फॉर्मूले की हेल्प लेकर हम कर सकते हैं। a² - b² = a - b इन फर्स्ट ब्रैकेट में और a + b इन सेकंड ब्रैकेट में। ये देखिए एक फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया हुआ था, इस फॉर्मूले की हेल्प लेकर हम सोल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए 9x² को क्या लिख सकते हो, 3x² यानी 3x की पावर 2, यानी 3 3 9x² हो जाए, नहीं हो जाए माइनस। अब देखिए 144 आपको देखिए स्क्वायर नंबर भी आना चाहिए, 2 से लेकर 20 तक आपको स्क्वायर नंबर आना चाहिए। बहुत पहले भी हमने बात कही हुई थी कि आप सभी बच्चों को 2 से लेकर 20 तक टेबल और 2 से लेकर 20 तक स्क्वायर और क्यूब्स दोनों आपको लर्न होनी चाहिए। तो 144 याद करिए कि किस नंबर का स्क्वायर है, याद करिए 12 का स्क्वायर है, 12 नंबर का स्क्वायर है क्या 144। तो देखिए बिल्कुल होगी कि नहीं, हो a² - b² और क्या लिख सकते हो a - b लिख लीजिए 3x - 12 और a + b, तो a क्या है 3x और + b 3x + 12, दैट इज अ राइट आंसर। बस इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, बिल्कुल इजीली है और बड़े आराम तरीके से आप इजीली तरीके से कर भी सकते हैं, है ना। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम डाउट्स भी नहीं होंगे। डी और ई हम आपको ड्रॉप करवा रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन के हमने फॉर्मूले और रूल्स पढ़ा दिए हैं, इन्हें अब आप होमवर्क पे करिएगा। कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं और एक अच्छा सा कमेंट आप हमें जरूर दीजिए, जिसको हम आपके ही नाम को मेंशन करके आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम को हम बताएंगे कि किन बच्चों ने कौन से कमेंट किया, कैसे कमेंट किए थे। तो आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर होगा, कोई डाउट्स प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सभी क्वेश्चन पढ़ते हैं जिससे आपका हाफ अर्ली एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से आपके मार्क गेन हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।